अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। सबसे पहले हम लगभग 200 वर्ष पूर्व यहाँ से अतिशयकारी तीन जिन बिंब निकले थे उनकी हम जयकारा करेंगे, जो नेमावर गांव में विराजित बोलिए 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, खतेगांव में विराजित श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की, हरदा में विराजित श्री शांतिनाथ भगवान की, और अभी कुछ वर्ष पूर्व यहां पर जब पुल बन रहा था फिर एक और अतिशय घटित हुआ, और अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान जो क्षेत्र में ही विराजमान है वो भी यहीं से भूगर्भ से निकले थे। बोलिए श्री पार्श्वनाथ भगवान की। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की। पूज्य निरापक श्रमण श्री योग सागर जी महाराज की। पूज्य आचार्य संघ की। आज भगवान की जयकारा करते हुए एक बहुत पुरानी बात याद आ गई, सबसे पहले मैं वो रख देता हूँ। 17-18 वर्ष पूर्व की बात, आज तीनों भगवानों की याद करते हुए आपके सामने अपने जीवन से जुड़ी हुई उनके अतिशय की एक चर्चा रख रहा हूँ। पूज्य आचार्य भगवान, हर बार हम ब्रह्मचारी लोगों को चतुर्मास में अध्ययन के लिए बुलाते थे। हर वर्ष हम इस इच्छा से जाते थे कि अब जा रहे हैं तो कभी वापस ना आना पड़े, अब जा रहे हैं तो कभी वापस ना आना पड़े। पर एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष, प्रतिवर्ष ऐसा होता था, जाते थे और हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होती थी। इस बार चौथे वर्ष हमने सोचा कि गुरुदेव के चरणों में जाना तो है, लेकिन जो आज से 200 वर्ष पूर्व ये अतिशय जिन बिंब निकले हैं उनके चरणों में हमें माथा टेकना है, और माथा इस भाव से टेकना है कि ये भगवान अब की बार आए तो पीछे कमंडल के साथ आए। सबसे पहले अतिशयकारी मुनीश्वरनाथ भगवान के चरणों में माथा टेका, नारियल चढ़ाया, कुछ नहीं मांगा, भगवान बस अब की बार आपका दर्शन पीछे कमंडल से हो। वहां से हमने आगे बड़ी यात्रा, नेमावर गांव में विराजित आदिनाथ भगवान के सामने भी हमने यही भावना भाई कि प्रभु कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जिन लिंग जैसे आप हैं वैसे बनाकर ही अब यहाँ बुलाना क्षेत्र पर, तभी हम आए। उसी प्रकार पार्श्वनाथ भगवान के सामने भी इन्हीं भावों से श्रीफल चढ़ाया, और अंत में शांतिनाथ भगवान हरदा में भी इसी प्रकार श्रीफल चढ़ाया और यही भावना प्रकट करी कि अब जब भी आए पीछे कमंडल के साथ ही आए। और उन भगवानों ने हमारी भावनाओं को सुना, उसके बाद जब दर्शन हुए तो पीछे कमंडल में ही हुए। ऐसे ये अतिशयकारी चारों भगवान हैं। ये क्षेत्र आज भले आपको लग रहा है नवनिर्मित है, लेकिन ये नवनिर्मित नहीं है। आप सोचिए 200 वर्ष पूर्व इस क्षेत्र में वे प्रतिमाएं निकली होगी, निकली थी, तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि ये पूर्व में बहुत बड़ा क्षेत्र होगा, और सिद्ध क्षेत्र तो है ही, यहाँ के दोनों तट से
कहते ना अभय तड़क गए, 5.5 करोड़ मुनिराज मोक्ष गए हैं। और इन भावों को साक्षात्कार भी मैंने किया है। साक्षात्कार कैसे, वो भी आपके सामने अपनी बात को रखता हूँ। निराग सागर जी महाराज जी प्रतिदिन सामायिक करने रेवा तट के, रेवा तट पे जाते थे, उभय तड़क गए मतलब किनारे के। वहाँ उन्होंने हमसे कहा, महाराज जी एक बार आप चलो आपको बहुत आनंद आएगा, एक बार आपने वहाँ बैठकर सामायिक कर ली तो आपको लगेगा कि हाँ हमने उन विशुद्धि लब्धि स्थानों को, उस शुद्धोपयोग को टच किया है। हम उनकी बात मानकर उनके साथ वहाँ सामायिक करने गए। पहले ही दिन उस किनारे पर ऐसा आनंद आया कि आज तक हम नहीं छोड़ पाए। लॉकडाउन लग गया, ऊपर से प्रेशर था, लेकिन हमने कहा नहीं, हम नहीं, हम वहाँ तो जाएंगे और वहाँ सामायिक करेंगे। वहाँ का जो 1 घंटे का आनंद है वो प्रतिदिन शाम को उठाया वास्तविकता में, वहाँ की एनर्जी, वहाँ की विशुद्धि, वो बहुत अलग है। ये क्षेत्र पूजनीय तो है ही। अब संदान सागर जी महाराज जी ने एक निवेदन किया कि गुरु के विषय में बताना, पहले भी उनने कहा था हमसे, तो हम गुरु के विषय की चर्चा करते हैं। प्रेम 2 प्रकार का होता है, एक होता है राग रूपी प्रेम और एक होता है समर्पण रूपी प्रेम। दोनों प्रेम है। राग रूपी प्रेम में भी आकर्षण है, राग रूपी प्रेम में भी आकर्षण है, लेकिन वो राग रूपी प्रेम का जो आकर्षण है वो कुछ समय के बाद विकर्षण में परिवर्तित हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों, वो राग रूपी प्रेम विकर्षण में क्यों परिवर्तित होता है? तो उसका एक आधार बिंदु है, वह जो राग है, राग रूपी प्रेम है, उसमें स्वकेंद्रितपना है। स्वकेंद्रितपना, हाँ, उसकी जो नींव है, उसका जो आधार है, वो किसके बल पर टिका है? वो टिका है स्वकेंद्रितपने पे। स्वकेंद्रित मतलब, स्वकेंद्रित मतलब जैसा मैं चाहता हूं वैसा वो करे, जैसी मेरी इच्छा है वैसा वो करे। अब वो सामने वाला कब तक करेगा, उसकी भी तो इच्छा है, उसकी भी तो भावना है। एक ना एक दिन ऐसा होता है कि उसकी अपेक्षा की पूर्ति नहीं होती है, तो वो स्वकेंद्रित प्रेम धराशायी हो जाता है और समाप्ति की ओर हो जाता है। अब दूसरी तरफ क्या है, तो बोले समर्पण रूपी प्रेम। इस समर्पण रूपी प्रेम में भी आकर्षण है, लेकिन यह आकर्षण कभी विकर्षण का रूप नहीं लेता। ये आकर्षण दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ता जाता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो वहां स्वकेंद्रित पना था उस राग में, और यहां पर केंद्रित पना है। पर केंद्रित पना मतलब क्या, तो पर केंद्रित पने से मतलब ये है, मुझे अपने से मतलब नहीं है, मैंने जिसके प्रति समर्पण किया है उनकी जो इच्छा, उनका जो आदेश, उनका जो सपना, वो मेरा सपना, मेरी इच्छाएं नहीं, मेरा सपना नहीं, जो जिनके प्रति मेरा समर्पण है उनका सपना ही अपना सपना, उनकी हर बात अपनी बात, उनके हर सूत्र मेरे सूत्र, उनके द्वारा दिया गया हर वचन हमारे लिए मूल मंत्र है। तो इस प्रकार के समर्पण जिसका गुरु के प्रति होता है वही सच्चा समर्पण होता है। लेकिन देवशास्त्र गुरु के प्रति ये सच्चा समर्पण कैसे करें, किस किस गुरु को करें, किस प्रकार का गुरु होता है, क्या देखे गुरु के अंदर और किन के अंदर ऐसा समर्पण करें? तो एक छत्र चूड़ामणि ग्रंथ है आचार्य वादीप सिंह सूरी जी का, बहुत अच्छी कारिका लिखी है और बहुत अच्छे भाव भरे हैं उसमें कि गुरु का क्या स्वरूप होता है। तो उसमें लिखा है, रत्नत्रय विशुद्ध सन पात्र स्नेही परार्थ कृत परिपालित धर्मो ही भावास्दे तार को गुरु। बहुत अच्छी लाइन है, आप समझने का अपन प्रयास करते हैं। रत्नत्रय विशुद्ध सन मतलब जो रत्नत्रय से सहित हो, जो रत्नत्रय से सहित हो वो सच्चे गुरु हैं। पात्रों के प्रति हमेशा स्नेह रखते हो, हमेशा प्रेम रखते हो, हमेशा वात्सल्य रखते हो, और परार्थ कृतः पर के प्रति जिनके अंदर हमेशा दया और करुणा ठूस ठूस के भरी हो, और क्या परिपालितो ही धर्मो ही जो 10 धर्मों को हमेशा पालन करते हैं, भावास्दे तार को गुरु, इस संसार रूपी सागर से वो आपको तार ले जाएंगे, ऐसे सच्चे गुरु का यह स्वरूप है। तो रत्नत्रय विशुद्ध सन किसको कहते हैं, तो कहते हैं आगम कहता है रत्नत्रय
मतलब जिनके अंदर आठ अंग हो, आठ अंग जिनके अंदर दिख जाएं, समझ लेना वो रत्नत्रय से विशुद्ध हो। तो आठ अंग कौन कौन से हैं आप सबको मालूम है, निशंकित, निकांक्षित, अमूर दृष्टि, उपगुहन, वात्सल्य, प्रभावना, इस प्रकार से ये आठ अंग हैं। तो ये आठ अंग इस पंचम काल में किनके अंदर, ये आठों अंग ठूस ठूस के रग रग में बसे हैं, तो वो कौन है आप समझ गए होंगे, वो कौन है, वो है आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज, जिनके अंदर ये आठों अंग हम देखने को, हम देखते हैं हमेशा, हमें देखने को मिलते हैं ये आठों अंग। तो हम आज इन आठों अंगों में जितना समय होगा उतनी चर्चा अपने आठ अंगों में थोड़ा थोड़ा करके करते चलते हैं। तो सबसे पहला है निशंकित अंग। ये निशंकित अंग क्या है, इसकी क्या परिभाषा है? तो कहते हैं जिन वच में संकान आधार, क्या कहा, जिन वच में ना संकान आधार, ये होता है निशंकित अंग। अर्थात जिनेंद्र भगवान की वाणी में जो लिखा है, जैसा लिखा है, जिस प्रकार का लिखा है, उसमें किंतु परंतु कुछ नहीं करना। आचार्य भगवान में ये गुण कैसे घटित होता है तो हम आपको बता रहे हैं एक एक संस्मरण के माध्यम से। आप सबको भी गुरुजी की बात सुनना है ना, अच्छी लग रही ना। तो निशंकित अंग के विषय में आपके सामने हम बात रखते हैं। तो संघ में हमेशा सिद्धांत ग्रंथों का पठन पाठन होता है, जय धौला धौला आदि ग्रंथों का वाचन चलता रहता है। अब बहुत सी बार ऐसी होती है कि कुछ चीज समझ में नहीं आती है, और वो समझ में नहीं आती तो गुरु चरणों में निवेदन करते हैं। अब वो जो कठिन चीज है, जो समझ में नहीं आ रही है, गुरुजी इसको समझाने का प्रयास भी करते हैं, नहीं आती है तो गुरुजी कहते हैं आएगी आएगी। अब गुरुजी उस चीज के लिए रात भर चिंतन मंथन करते हैं, और उस चिंतन मंथन से जो रत्न निकलते हैं उसके बाद अगले दिन फिर समझाने का प्रयास करते हैं कि देखो भाई इससे इस प्रकार से अनेक उदाहरणों के माध्यम से उसको घटित करने का प्रयास करते हैं। फिर भी अगर समझ में नहीं आए, फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो आचार्य एक इसी प्रकार की एक घटना मुझे याद आ रही है कि एक बार की बात है, एक धौला में एक शब्द आया था, उस शब्द को थोड़ा सा अगर बदल दें तो पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाता, थोड़ा सा अर्थ बदलना था। तो एक महाराज जी ने, बड़े महाराज जी ने कहा कि आचार्य श्री जी अगर इसकी जगह ये हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा और पूरा अर्थ भी स्पष्ट हो जाएगा। तो आचार्य श्री ने कहा कि जब पूर्व में आचार्य हुए हैं उन लोगों ने भी इसमें बदलाहट नहीं करी, इसका संपादन नहीं करा, तो मैं कौन हूं, मैं क्यों करूं इसका इसमें संपादन नहीं। पूर्व में भी आचार्य हुए हैं, उनको भी तो कभी ना कभी समझ में आया होगा, और हमें भी आएगा, आज नहीं कल आएगा, अवश्य आएगा। हमारे पास है कितना शास्त्र, हमारा ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, आज नहीं आ रहा है और कल आएगा। तो आचार्य श्री कहते हैं कि विद्या कालेन पच्यते, आज नहीं कल, काल आने पर वो विद्या हमें समझ में आएगी। इसलिए एक इसमें चार बातें कही गई है, विद्या कालेन पच्यते एक श्लोक है, उसमें कहा है कि 25% विद्या गुरु के समझाने से आती है, गुरु के बताने से आती है, और 25% विद्या गुरु की सेवा से आती है, गुरु की भक्ति से आती है, और गुरु ने जो कहा है उसको मानने से आती है, और फिर 25% विद्या क्या है, अपने स्वयं के चिंतन मंथन और मनन से आती है। जो आपने गुरु से पढ़ा है उसको आप चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, तो अपने आप आपको समझ में आने लगेगा। और चौथा कहा है विद्या कालेन पच्यते, आज नहीं आ रहा, विकल्प नहीं करो, कठिन लग रहा है विकल्प नहीं करो, छोड़ो मत, अश्रद्धा मत करो, भक्ति भाव से उसको मानो, स्वीकार करो, आज नहीं तो कल अवश्य आएगा। इसलिए आचार्य भगवान जिनेंद्र भगवान की वाणी पर कभी शंका नहीं करते, हाँ लिखा है ऐसा ही है, और उसी को समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। नहीं समझ में आता है तो यही कहते हैं कि ज्ञानावरणी कर्म का जितना क्षुभ समय हम समझ पा रहे हैं, और अभी हमारे पास शुद्ध है कितना, अपार शुद्ध है, उस शुद्ध में से थोड़ा सा हमारे सामने है, और उसमें जितना समझ में आ रहा है श्रद्धा भाव से हम उसको समझें, ये है निशंकित अंग। अब अगला अंग है निकांक्षित। निकांक्षित अंग मतलब क्या, कठोर व्रतों को पालन करते हुए भी
संसार के कोई भी सुखों की इच्छा नहीं करना, यही कौन सा अंग है? निकांक्षित अंग। हम देखते हैं गुरु जी के अंदर ये गुण कैसे घटता है। अभी की घटना नहीं है, बहुत पुरानी घटना है। मैंने एक बहुत पुरानी एक पुस्तक है, उसमें से एक बहुत बड़े विद्वान का वो संस्मरण था, वो पढ़ा, वो आपके सामने रखता हूँ। आचार्य भगवान जब बुंदेलखंड से, नहीं राजस्थान से बुंदेलखंड की ओर आ रहे थे, तब की ये घटना है। बिहार करते करते बुंदेलखंड आ रहे थे, तो बुंदेलखंड आते आए कटनी के आसपास पहुँचे होंगे, तो आपने नाम सुना होगा पंडित जगमोहन लाल जी शास्त्री, बड़े पंडित जी जिन्हें कहते थे, वो उनके दर्शनार्थ आचार्य श्री के पास पहुँचे और बिहार में उनके साथ रहे। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पाँच दिन, वो सुबह से लेके शाम तक आचार्य भगवान की चर्या का अवलोकन करते थे। अवलोकन करने के बाद प्रतिदिन प्रश्न उत्तर हुआ करते थे। और आचार्य भगवान जो स्वाध्याय प्रेमी हैं, उनका तो विशेष ध्यान रखते हैं। आपको समय दे ना दे, लेकिन अगर कोई स्वाध्याय से संबंधित जिज्ञासा रखता है तो उसको अवश्य समय देते हैं। अब जगमोहन लाल जी शास्त्री ने आचार्य भगवान से हाथ जोड़ते हुए निवेदन किया कि आचार्य श्री जी, मैं कुछ भावना रखना चाहता हूँ। तो आचार्य श्री ने कहा, हाँ कहिए। बोले, आचार्य श्री जी, हमें एक बात समझ में नहीं आ रही। हम 8 दिन से देख रहे हैं, आप प्रतिदिन 40, 45, 50, 50 किलोमीटर प्रतिदिन बिहार करते हैं, और ये छोटे छोटे साधु आपके साथ हैं। बहुत अच्छा है, आपका शरीर है, इतना लंबा आप चल रहे हैं, लेकिन आए आप, आने के बाद शाम हुई, प्रतिक्रमण किया, प्रतिक्रमण करने के बाद 2-5 मिनट भी अपने शरीर को आराम नहीं देते हैं और सीधे आप सामायिक में खड़े हो जाते हैं। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटे, आखिर क्या चाहिए आपके? आपको संसार में क्या आकांक्षा है जो इतनी साधना करें 2.5-2.5, 3-3 घंटे की? अभी तो बिहार चल रहा है, अभी ना करके जहाँ चतुर्मास आदि हो वहाँ कर लेना। तो इस विषय पर आचार्य श्री का जवाब तो लाजवाब होता ही है, वो आपके सामने रख रहा हूँ मैं, सबके सुनने योग्य है। बोले, मुझे कोई आकांक्षा नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार से, और कोई मुझे सिद्धि की अपेक्षा नहीं है। मैं क्यों करता हूँ? तो सुनो, मैं इसलिए करता हूँ कि अगर मैं घर का सबसे बड़ा सदस्य हूँ और सबसे बड़े सदस्य को सब जिम्मेदारियाँ हैं, अच्छा होगा बुरा होगा सब मेरे पे आएगा। मैं खड़े होकर 2.5-3-4 घंटे इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे साथ जो छोटे छोटे साधु हैं, कम से कम वो 1 घंटे तन के बैठ के सामायिक करे, इसलिए मैं उनके लिए 2.5-3 घंटे बिहार 50 किलोमीटर चल के भी इस प्रकार से सामायिक करता हूँ। तो मुझे आकांक्षा सिर्फ अपने सब साथियों की है, अपने परिवार की है, उस परिवार की अच्छा हो, भला हो, उनमें अच्छे संस्कार आए, उनके लिए ये करता हूँ। तो ये आचार्य भगवान की सोच थी। आगे चले हम, तीसरा अंग है निर्विचिकित्सा अंग। निर्विचिकित्सा मतलब क्या? किसी भी ग्रहणित वस्तु को देखकर जुगुप्सा नहीं करना, अर्थात घृणा नहीं करना। इसको अपन आचार्य श्री में घटाते हैं, बहुत पुरानी घटना है। नैनागिरी की बात आपके सामने रख रहा हूं। नैनागिरी में एक संलेखना चल रही थी, और संलेखना में हमेशा प्राय ऐसा होता है कि दो दो साधुओं की ड्यूटी लगा दी जाती थी कि 2 घंटा या 1 घंटा, जितने साधुओं 24 घंटे, और बहुत अच्छे से संलेखना का निर्वाह वहाँ पर होता है। भक्तिभाव से संलेखना चल रही थी। संलेखना में मुनिराज भी बहुत विशुद्ध भावों से अपने परिणामों में निर्मलता रखते हुए आगे का समय निकाल रहे थे। एक बार की बात है, 2 मुनिराज आहार के समय वहीं पर छपक राज के पास बैठे थे। उस दिन वे मुनिराज बहुत स्वस्थ अपने आप को अनुभव कर रहे थे। उन्होंने अपने पास में बैठे मुनिराजों से कहा कि आप आज आहार पे निकल जाएं, हम आज बहुत स्वस्थता महसूस कर रहे हैं, आप लोग आहार पे निकलें। तो बोले, नहीं नहीं अभी थोड़ी देर में आचार्य भगवान प्रतिदिन की भांति आएंगे, आपको संबोधन देंगे, तब हम चले जाएंगे। नहीं नहीं हमारी बहुत भावना है, आप आहार पे निकलो। आपको वो फिर उन्होंने कहा, नहीं नहीं थोड़ा सा इंतजार करो। अब वो माने नहीं, तो वहाँ पर जो दोनों मुनिराज बैठे थे, उन दोनों मुनिराजों ने कहा, अपन आचार्य श्री की जयकारा की आवाज़ तो आई गई है, वहीं के वहीं सब कुछ था, और छपकराज समोषण मंदिर है नैनागिरी में, वहाँ पर थे, तो अभी आचार्य श्री आने ही वाले हैं, अपन शुद्धि करके आते हैं। अब इधर उन दोनों मुनिराजों का शुद्धि पे जाना हुआ और उधर आचार्य श्री आए,
और उस समय इतनी भीड़ तो रहती नहीं थी, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ आपको मैं, बहुत कम लोग हुआ करते थे। आचार्य श्री ने अपना कमंडल लिया और शावक को कहा जाओ मुनिराज आहार पे निकलेंगे, जाओ पड़गान करो। और आचार्य श्री अपना कमंडल लेकर स्वयं अपने हाथ से, वो दृश्य तो अलग ही होगा, अब तो मिलेगा नहीं ऐसा दृश्य, वो स्वयं आए अंदर। अब हुआ यहाँ ऐसा कि जैसे ही अंदर आचार्य भगवंत आए तो जो छपकराज थे, अकेले तो थे ही, उनको बहुत जोर से खांसी का दौर हुआ तो खांसते गए, कफ उनके मुंह में आ गया, कफ आया। वहां पर कोई सामग्री दिखी नहीं, उनको कोई पात्र दिखा नहीं। उन्होंने आचार्य श्री को निवेदन किया, आचार्य श्री ने भी देखा, फिर आचार्य श्री ने अपना हाथ लिए और छपक राज के आगे कर दिए कि आपका कफ इस अंजलि में डाल दो। छपक ने गुलाबी गुलाबी अंजलि देखी, वो घबरा गए, वो कहे नहीं नहीं नहीं। तो आचार्य श्री ने कहा मेरे पास तो पीछे कमंडल है और दूसरा करपात्र है और कुछ है ही नहीं, मैं कहाँ से कुछ लाऊं, आप तो इसमें करो। अब छपक राज के पास कोई अवस्था भी नहीं थी, घबराहट भी हो रही थी, उसने वो कफ पूरा आचार्य भगवान की अंजलि में निकाल तो दिया। ये हुई एक बात, लेकिन एक विशेष बात और आप में इसमें रखता हूँ। अब आचार्य भगवंत उस अंजलि को लिए हुए बैठे रहे, क्यों बैठे रहे, अब आचार्य श्री की पीछे बाजू में थी, अब कौन परिमार्जन करे, क्योंकि साधुओं का एक मूल गुण होता है, क्या होता है कि आदान निक्षेप समिति, मतलब जहाँ हम जिस चीज का विसर्जन करते हैं विस्तर समिति, उसको हम परिमार्जन करके करते हैं। अब परिमार्जन कैसे करें, अब साधु जब तक नहीं आए तब तक आचार्य श्री ऐसे ही खड़े रहे, इसी प्रकार से अंजलि बनाकर खड़े रहे। अब थोड़ी बहुत जो जितनी देर बाद भी साधु शुद्धि आदि करके आए, आने के बाद उस दृश्य को देखा तो आचार्य श्री ने कहा हम कुछ नहीं, आप लोग तो पीछे लगाओ। आचार्य श्री बाहर गए और पीछे लगवाई और कप का वहां पर विसर्जन किया। तो ऐसी, इसको कहते हैं सच्चा निशंकित अंग पालन करने वाला, निर्विचिकित्सा अंग पालन करने वाला, मतलब इतनी घृणित वस्तु को, कफ को भी अपने हाथ में इतनी देर से प्रसन्नता के साथ, प्रफुल्लता के साथ, अच्छे परिणामों के साथ उन्होंने रखा था। और आचार्य श्री हमेशा कहते हैं कि ये द्रव्य, बाहरी द्रव्य अपवित्र नहीं है, ये तो हमारे देह से जो बाहरी पदार्थ हमारे देह के अंदर जाता है उसके बाद वो अपवित्र होता है, प्रत्येक वस्तु पवित्र है, इस देह के साथ संबंध होने के बाद वह अपवित्र होती है। तो ये है निर्विचिकित्सा अंग। अब बात कर रहे हैं हम अमूढ़ दृष्टि अंग किसे कहते हैं, तो कहते हैं कि किसी प्रकार के भी लोभ भय आशा से अन्य धर्म के विषय में प्रशंसा आदि नहीं करते हैं। तो एक अमरकंटक की बहुत अच्छी घटना आपके सामने रख रहा हूँ। अमरकंटक उस समय की बात कर रहा हूँ जिस समय आचार्य भगवंत पहली बार गए थे, और कब गए थे, जब ठंड का समय था, भर ठंड में आचार्य भगवंत अमरकंटक गए। और आप भली भांति परिचित है कि अमरकंटक में गर्मी में ठंड लगती है, और ठंड में तो ये चतुर्मास में तो ऐसी चीज है कि तीन तीन चार चार दिन कपड़े सूखते नहीं है। अब उस स्थान पर आचार्य भगवंत उस ठंड में माइनस टेम्परेचर में रुके, तो अमरकंटक में एक नहीं अनेकों आश्रम है, उन सब आश्रमों में जितने बाबा लोग हैं सब में ये कोहतूल था कि आखिर ऐसा कौन साधु है जो दिगंबर भी है, दिगंबर होने के बाद कुछ ओढ़ते नहीं, कुछ बिछाते नहीं है, और इसी ठंड में कैसे रह रहे हैं। सबके मन में शंका विकल्प, और सब लोग बार बार आकर वहां पर परीक्षण कर रहे थे कहीं ऐसा तो नहीं है कि रात में कुछ ले लेते हो, पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर रहे थे। आचार्य भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा सब देखने के बाद और बढ़ रही थी। अब इसी बीच वहां की कमेटी ने एक सम्मेलन रखा, उस सम्मेलन में सभी धर्मों के गुरुओं को, सभी मठाधीशों को बुलाया। सभी मठाधीशों के बुलाने के बाद सबके अपने अपने वक्तव्य हुए, सबके अपने अपने वक्तव्य हुए। वक्तव्य में सबने गुरुजी के विषय में भी कहा, अन्य अन्य बातें भी करी, दूसरी बातें भी करी। आचार्य श्री ने शुरुआत यहाँ से करी कि बहुत देर से सुन रहा हूँ, बहुत अच्छे शब्दों में बोला, बहुत देर से सुन रहा हूँ सनातन धर्म की बात सब कर रहे हैं, पर इतनी तनातनी क्यों कर रहे हैं। सनातन धर्म की बात तो सब कर रहे हैं पर इतनी तनातनी क्यों कर रहे हैं। इस बात को लेते हुए अहिंसा धर्म और क्या मुनि की चर्या होती है उसको कितने अच्छे ढंग से बताया। तो वो
उसको मैं आपके सामने रखता हूँ, कैसे बताया? उन्होंने कहा कि यहाँ से जो नर्मदा निकली, नर्मदा नदी निकली है, वो अमरकंटक से निकली है, और ये जो नर्मदा नदी है ये पूज्य है, पवित्र है, पावन है, प्रत्येक जनमानस इसको भक्ति भाव से नमन करता है। आखिर ऐसा इस नर्मदा नदी में क्या है, क्यों सभी लोग इतने भक्ति भाव से नमन करते हैं, आप लोगों को मालूम है? आचार्य भगवान ने ऐसा प्रश्न किया, आप लोगों को मालूम है क्या क्यों नमन करते हैं? कोई कुआ, कोई तालाब, कोई बावड़ी, इसको क्यों नहीं नमन करते हैं? आज तक हमने नहीं देखा कि कोई कुएं को नमन कर रहा है, कोई तालाब को नमन कर रहा है। ऐसा क्या है इस नर्मदा नदी में जो सब लोग इतने भक्ति भाव से नमन करते हैं? तो सब निरुत्तर थे। तो आचार्य श्री ने कहा, मैं उत्तर देता हूं इसका। नर्मदा नदी को सब लोग इसलिए पूछते हैं कि वो कहीं रुकती नहीं है, वो कहीं रुकती नहीं है, सबके कल्याण के लिए बहती जा रही है, बहती जा रही है, बहती जा रही है, सबका भला करने के लिए बहती जा रही है। कुआं वहीं रुका है, तालाब वहीं रुके हैं, बावड़ी का पानी वहीं रुका है, इसलिए वो पूज्य नहीं है। इसीलिए जिन शासन में कोई साधु मठ बनाकर नहीं रहता है, वो भी विहार करता है, वो विहार करते करते हमेशा कहीं का एक स्थान से बंधता नहीं है और सब जगह जाता है और सब धर्म की प्रभावना करता है, ऐसे अमूढ़ दृष्टि अंग का वो पालन उन्होंने वहां पर किया। अपनी बात भी रखी और जिन शासन की बात भी वहां पर उन्होंने किस प्रकार से रखी, और सभी ने ताली भी बजाई। तो ये था अमूढ़ दृष्टि अंग। अब हम चलते हैं उपगोहन अंग। उपगोहन अंग किसका क्या है, इसकी क्या परिभाषा है? तो बोलते हैं निज गुण और अवगुण ढाके। क्या है? निज गुण और अवगुण ढाके, मतलब क्या? मेरे जितने गुण हैं उनको और दूसरे के जितने अवगुण हैं उनको ढाक कर रखना ही उपगोहन अंग है, वही उपगोहन अंग है। हमेशा देखा हमने आचार्य भगवंत को, कितना भी, अभी हमने उस दिन देखा ध्वजारोहण के दिन, सब कुछ किया गुरुजी ने और डाला किसके ऊपर? आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी, जो किया उनने किया, ये उनकी, हमने आज ही, हम शुरू से देखते आए हैं, हमेशा वो गुरु पे डालते हैं, अपनी कभी भी कहते नहीं कि मैंने किया। इसी चीज को हम रखते हैं, सन 2006 की घटना है, कुंडलपुर की बात है। कुंडलपुर में एक शुद्ध आराधना शिविर रखा था, पूरी दुनिया के, पूरे सभी जगह के पूरे विद्वानों को वहां पर आमंत्रित किया था कुंडलपुर कमेटी ने, बहुत सारे लोग अभी बैठे भी होंगे उस शुद्ध शिविर वाले। तो वहां पर 3 दिन तक वो संगोष्ठी उस भर गर्मी में चली, और आचार्य भगवान ने सुबह 2 घंटा और शाम को 3-3, 4-4 घंटा लगातार बोला। विद्वान लोग उनकी उस वाणी को सुनकर बड़े अचंभित रहे, बहुत सारे ऐसे अनसुलझे जो आज तक समझ नहीं पा रहे थे, उन विषयों को आचार्य भगवान के माध्यम से वहां पर उन्होंने समझा, बहुत अच्छा लगा विद्वानों को। अब अंतिम दिन था, शाम को प्रतिदिन आचार्य श्री पार्श्वनाथ भगवान मंदिर में वहां पर ऊपर जाकर रात्रि विश्राम करते थे। सभी विद्वान आचार्य भगवान के पास पहुंचे, और पहुंचने के बाद आचार्य श्री से कहा, बहुत मिला आचार्य श्री, आपने हमें बहुत दिया, और अभी तक हम आपके पास ऐसे शिविर अभी तक क्यों नहीं लगे, ऐसे हर वर्ष लगे, हमारा ये निवेदन है। अंतिम दिन था, अंतिम शाम थी, तो वहीं एक जैन गजट के संपादक कपूर चंद जी पाटनी थे, उनने निवेदन किया, आचार्य भगवान अंतिम एक इच्छा और पूरी कर दो। ये इच्छा है कि आज तक आपके वैराग्य का कारण नहीं जाना, आज तक आपके वैराग्य का कारण नहीं जाना, हम चाहते हैं आप अपने वैराग्य का कारण बताएं। तो आचार्य श्री मौन, नीचे मुंह कर लिया। सब विद्वानों ने बोला, आचार्य भगवान अंतिम असर फिर डाल दो, सब दिया आपने, आप बस वैराग्य का कारण बता दो। तो आचार्य श्री फिर भी मौन। फिर जब विद्वान लोग सब एक साथ निवेदन करने लगे, तो आचार्य श्री ने कहा, वैराग्य अकथ्य होता है, वैराग्य अकथ्य होता है। तो विद्वान होते हैं, आचार्य भगवान तीर्थंकरों की वैराग्य की कहानी से भरा पड़ा है पुराण, और आप बोल रहे वैराग्य अकथ्य होता है, वो कैसे? तो फिर आचार्य श्री कहते हैं कि भैया, किसी तीर्थंकर ने अपने वैराग्य की कथा नहीं लिखी हैगी, किसी तीर्थंकर ने अपने वैराग्य की कथा नहीं लिखी हैगी, ये तो लोगों ने, सबने, आचार्यों ने ढूंढ कर लिखा हैगा, आप लोग भी ढूंढ लो मेरे वैराग्य का कारण, मेरे मुख से मैं
नहीं बता सकता हूं। जब विद्वान लोग थोड़े अनुत्साहित से हुए, मुरझा गया उनका चेहरा, तो आचार्य श्री समझाते हुए बोलते हैं, देखो भैया, अभी अभी मैं उठ के आया हूँ, प्रतिक्रमण किया है मैंने, और प्रतिक्रमण में क्या आया, अपसंसरणदाय, मतलब अपनी प्रशंसा अगर मैंने की हो तो हाँ दुट्ठकयम, अपनी प्रशंसा अगर मैंने की हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और अगर मैं अपने वैराग्य का कारण बताऊंगा तो कहीं ना कहीं उसमें मेरी प्रशंसा छुपी ही है, कहीं ना कहीं मेरी उसमें प्रशंसा छुपी है, इसलिए वो चीज आप मत पूछें। फिर और एक चीज आचार्य भगवान ने बताई, आप लोग विद्वान हैं, उमा स्वामी महाराज को पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं, तो उसमें जो सूत्र आया है क्या आया है, परात्मनिंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद्भावने च नीचेर गोत्रस्य, उसमें क्या कहा है, अगर मैं स्वयं की प्रशंसा करूंगा तो कहां जाऊंगा, नीच गोत्र का बंद करूंगा। सोचो मुनिराज नीच गोत्र का बंद करते हैं क्या, नहीं करते। इस प्रकार शास्त्रीय भाषा से जब विद्वानों के बीच में सूत्र रखा तो सब विद्वान चुप निरुत्तर हो गए, कुछ नहीं बोले। इसी बीच पंडित श्रेयांश कुमार जी बड़ोत, अच्छे विद्वान हैं, उन्होंने आचार्य भगवान से निवेदन किया, आचार्य भगवान अभी हमारे यहाँ गाथाओं में परिवर्तन होने लगा है, गाथाओं के शब्द बदले जा रहे हैं, और वो शब्द ऐसे बदले जा रहे हैं कि मूल शब्द हटा दिए जा रहे हैं, तो क्या बदला जा रहा है, बोले कुछ मुनिराज कुंद कुंद आद्यो की जगह पुष्पदान पुष्पदंत आद्यो लिख रहे हैं, अब बताइए ये हटाना ठीक है क्या। और फिर पूछते हैं तो उनके जो दूसरे साधु बोलते हैं, तो हम तो उन भूतबली और पुष्पदंत को याद कर रहे हैं, और कुछ बोलते कि नहीं हम तो हमारे गुरु को याद कर रहे हैं, इस प्रकार का ये जो चल रहा है क्या ठीक है। तो आचार्य श्री ने उसका क्या जवाब दिया, फिर पहले तो उन्होंने यही निवेदन किया, अगर आप बोलोगे तो यहाँ पर कम से कम 15 से 16 पत्रिकाओं के विद्वान पत्रकार संपादक पहुंच बैठे हैं, आप बोलोगे और आपकी बात का प्रभाव पड़ेगा, पूरी दुनिया को मालूम पड़ेगा कि सत्यता क्या है। तो आचार्य श्री ने ये कहा, ये विषय मेरा नहीं है, ये विषय तो विद्वानों का है। क्या कहा, क्या सत्य क्या असत्य क्या लिखना, ये विषय मेरा नहीं है, ये विषय तो विद्वानों का है। वहीं पंडित रमेश चंद जी बिजनौर, जो पूर्व में अध्यक्ष भी थे, अभी मंत्री है शायद, है ना, तो पंडित रमेश चंद जी बिजनौर बैठे थे, तो पंडित रमेश चंद जी बिजनौर ने हाथ जोड़ के कहा, आचार्य श्री जी, वास्तविकता में तत्वार सूत्र को मैंने थ्योरिकल तो बहुत पढ़ा, बहुत पढ़ाया और बहुत लिखा भी है, बहुत पढ़ा पढ़ाया लिखा भी है, लेकिन प्रैक्टिकल आज पहली बार सुनने और देखने को भी मिला। क्या, जब आपकी प्रशंसा की बात आई तो आपने कहता अकथ्य है, और जब किसी की दोष किसी की बुराई की बात आई तो आपने कहते ये मेरा विषय नहीं है, ये तो विद्वानों का विषय। धन्य है आप, प्रैक्टिकल तो आपके अंदर ही दुख रहा है, निजगुण और अवगुण ढाके। इस प्रकार से ये हो गया उपगहन अंग। अब बात आती है, समय है स्थितिकरण अंग। स्थितिकरण अंग अर्थात क्या, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इसमें जो पात्र होता है उस पात्र को स्थित करना ही स्थितिकरण अंग कहलाता है। और जैसे एक मंदिर बनता है तो मंदिर का मूल कब पूरा होता है, शिखर के ऊपर कलश चढ़ाने से। ऐसे ही साधु जीवन में संलेखना एक ऐसी वस्तु है, वो अगर अच्छी हो गई तो सब कुछ अच्छा हो गया। अर्थात संलेखना में स्थित करना ही सच्चा स्थितिकरण अंग का पालन करना कहलाएगा। कोई संलेखना ले रहा है, उस संलेखना को बहुत अच्छे से निर्वाह करना, अच्छी तरीके से उसको प्रोत्साहित करना, वही सच्चा स्थितिकरण अंग है। अब आचार्य भगवान हमेशा, बहुत सी संलेखनाएं हुई इसीलिए आचार्य भगवान को संलेखना सम्राट उपाधि प्राप्त है। अनेकों संलेखना आपने भी देखी है, अभी भी बहुत सारी संलेखना पीछे चतुर्मास में हुई है, अनेकों बार ऐसे प्रकरण आते हैं तो आचार्य श्री इतने अच्छे भावों से समझाते हैं, ऐसे ऐसे उदाहरण देते हैं कि भैया ये जो अंतिम समय है, इस अंतिम समय में हमें शरीर की ओर नहीं भावों की ओर ध्यान देना है। वो सेठ था, वो सामायिक जरूर कर रहा था, वो सेठ सामायिक जरूर कर रहा था, लेकिन वो सेठ कहाँ गया, मेंढक बना। क्यों बना मेंढक, उसने द्रव्य से सामायिक करी, भाव से नहीं करी सामायिक। भाव से सामायिक करता तो वहां नहीं जाता। इसलिए आप संलेखना व्रत को धारण कर रहे हैं, भावों से करें,
भावों से अगर आपने संलेखना को धारण किया है, परिणामों से किया है, तो निश्चित आपका कल्याण होगा। इसी संबंधित एक घटना, यही नेमावर से संबंधित। 2019 में नेमावर में चातुर्मास था, इसी बीच एक सागर के आचार्य भगवान के अनन्य भक्त वकील साहब, बहुत से लोग जानते होंगे, वकील साहब आचार्य भगवान के चरणों में आए और उन्होंने निवेदन किया, आचार्य श्री जी हमें अपना संलेखना मरण कर इस देह का त्याग करना है। आचार्य जी के सामने निवेदन किया, निवेदन किया और पहले दिन, दूसरे दिन और पास के बाद उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई। वो आचार्य भगवान के पास पहुंचे और आचार्य श्री से निवेदन किया, आचार्य श्री जी क्षमा चाहता हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं इस प्रकार से भूखा नहीं रह सकता, इस प्रकार से संलेखना को मैं ग्रहण नहीं कर सकता। तो आचार्य भगवान बहुत अच्छे से समझाते हैं, कमजोरी तन से नहीं मन से ज़्यादा आती है, और व्रत जो हमने व्रत लिए हैं उन व्रतों के प्रति अगर हमारी निष्ठा नहीं रहेगी तो कोई सार्थकता नहीं है। और अच्छा, इसने एक सूत्र दिया, बोले अब कुछ नहीं करना है तुम्हें, इस सूत्र पर ध्यान देना है, हाँ नित्य आयु, हाँ नित्य घटती आयु है पर पाप मति घट नहीं, बस इस पे चिंतन करो, इस पे मंथन करो। और बहुत अच्छा उद्बोधन दिया। वहीं जिनेन्द्र जी ब्रह्मचारी हैं सागर के, वो साथ आए थे, उन्होंने आचार्य श्री से कहा, आचार्य श्री जी बहुत मुश्किल पड़ेगी, आप मान जाओ, आप मान जाओ, एक उपवास में घर में इनकी स्थिति खराब हो जाती थी, ये नहीं ले पाएंगे संलेखना। तो आचार्य भगवान ने समय सार आदि, इष्टोपदेश आदि गाथाओं कारिकाओं के माध्यम से इतना मार्मिक उद्बोधन दिया, एक ऐसी शक्ति उनके अंदर भरी कि दिन दुगनी और रात, फिर उसके बाद अनेकों उपवास, शायद एक डेढ़ महीना चला ना, अनेकों उपवास के साथ उनका अच्छे से भावपूर्वक और परिणामों की निर्मलता से संलेखना उनकी हुई और देह का त्याग हुआ। ये है सच्चा स्थितिकरण अंग। अब अगला है वात्सल्य अंग। वात्सल्य मतलब वस, जिसे गाय होती है, वह गाय जैसे वत्स उसके बछड़े को स्नेह करती है, वैसा ही वात्सल्य अंग होता हैगा। हो सकता है किसी माँ का आप में से कोई कोई ना कोई लोभ हो सकता है कि मैं मेरे बेटे को, मैं मेरी बच्ची को पालूं तो मेरा बेटा बाद में मेरा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, अन्य अन्य। लेकिन जो वो गाय होती ना, उस गाय को उस बछड़े से कोई लोभ नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। तो उस प्रकार का किसी भी लोभ के वश ना होकर जो वात्सल्य होता है वही सच्चा वात्सल्य होता है। और आचार्य भगवान के वात्सल्य की तो क्या, उनके एक मुस्कान में ही अनेकों लोग, उनके वात्सल्य में ही वो मुस्कान में अनेकों लोग प्रशस्त हो जाते हैं। हो जाते हैं कि नहीं, होते हैं ना, होते हैं ना उनके वात्सल्य में ही मुस्कान से। तो वह आचार्य भगवान के अंदर तो कूट कूट के